माय चैनल सुदामा जी क्रिएशन। मैं अनुमेहा तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हमारे एक दोस्त के पापा को मधुमेह हो गया, जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। अब उनके घर में रोज़ लड़ाइयाँ होने लगी। इसका कारण सिर्फ ये था कि उनको उनकी मम्मी ये कहती थी कि आपको अपने खाने पर कंट्रोल करना है। वो उनको मीठे फल, चावल और चीनी ना खाने के लिए कहती थी। ये कलेश लगभग हर घर में होता है, क्योंकि यह बीमारी 60% घर में किसी न किसी को होती ही है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ बीमारी के बारे में। मैं ये सब कंटेंट बहुत मेहनत से कई जगह से रिसर्च करके लाती हूँ, आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चलता रहे। पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज़ होता क्या है। डायबिटीज़ का मतलब होता है हाई ब्लड शुगर। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि यह शुगर आता कहाँ से है और इसकी क्या ज़रूरत है हमारे शरीर में। तो बता दें कि हम जो भी खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होकर हमारे खून में मिलकर पूरे शरीर में, नसों में और धमनियों के सहारे घूमता रहता है, और इसी ग्लूकोज से हमारे शरीर के अंगों को काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। ये सवाल उठता है कि ग्लूकोज खून में मिलकर पूरे शरीर में घूमता है तो हमारे शरीर में एनर्जी कैसे बनती है, ये भी समझते हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं या अंग्रेजी में कहें तो सेल से बना है। सेल हमेशा अपना दरवाज़ा बंद रखता। ग्लूकोज खून में मिलकर पूरे शरीर में घूमता है तो हमारे शरीर को एनर्जी कैसे प्राप्त होती है, ये भी समझते हैं। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, जिसे हम सेल्स कहते हैं। सेल हमेशा अपना दरवाज़ा बंद रखता है। ग्लूकोज सेल के अंदर जाकर एनर्जी में तब्दील होता है। ग्लूकोज खून में घूम रहा है और सेल्स अपना दरवाज़ा बंद करे हुए हैं। फिर रोल आता है एक हार्मोन का, जो ग्लूकोज को सेल के अंदर घुसने में मदद करता है, या यूँ कहें उसके पास सेल के घर की चाबी होती है। इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, जो हमारे पेनक्रियास से तब निकलती है जब शरीर का वर्किंग सिस्टम उसको बोलता है कि अब खून में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो गई है और पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज़ कर सकता है। अब बात यह है कि हमारा शरीर बिल्कुल फिट है, यानी पेनक्रियास हेल्दी है, तो जितनी मात्रा में शरीर को इंसुलिन की ज़रूरत है वह उतनी ही मात्रा में उसे रिलीज़ करेगा। लेकिन अगर पेनक्रियास हेल्दी नहीं है तो वह कम मात्रा में इंसुलिन रिलीज़ करेगा या करेगा ही नहीं, जिससे शुगर या ग्लूकोज की अधिकता हो सकती है, और बढ़ा हुआ शुगर की वजह से हमारे कई अंगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। लो शुगर लेवल के होने पर हमारा शरीर कई लक्षण दिखाता है, जैसे कि चक्कर आना, बहुत पसीना आना, शरीर का शिथिल पड़ जाना। लेकिन हाई शुगर लेवल थोड़ा ज़्यादा होने पर जल्दी कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। फिर भी ज़्यादा शुगर लेवल होने पर कुछ लक्षण हैं जिनके दिखाई देते ही हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जैसे कि बार बार प्यास लगना, ज़रूरत से ज़्यादा यूरिन का होना, बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी वज़न का ना बढ़ना, फैट का घटना और मसल मास का घटना। पैर में लगता है कि छोटी छोटी चींटियां चल रही हैं, और हाथ पैर में हमेशा झिनझिनियां होना। नपुंसकता भी हाई शुगर लेवल का एक लक्षण है। सबकी नज़र में प्रथम इसका इलाज ये है कि हम शुगर कम लें, ताकि अगर कम मात्रा में इंसुलिन हो तो भी मैनेज हो जाए। ये सावधानी ठीक भी है, लेकिन एकदम खून में शुगर लेवल का कम होने भी ठीक नहीं है। तो डायबिटिक लोगों को कुछ फल तो ज़रूर खाना चाहिए, जो ज़रूरी मिनरल्स और फाइबर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि सेब, संतरा, मौसमी, अमरूद। लेकिन ये फल खाने के साथ ना खाएं, हमेशा दो मील के बीच में खाएं। मिनरल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो फाइबर खाना पचाने में हेल्प करते हैं। मीठे फलों का थोड़ा कंट्रोल्ड मात्रा में खाना ज़रूरी है, और ध्यान रहे सारे फलों को उनके नेचुरल फॉर्म में ही खाएं। और सबसे ज़रूरी बात, शुगर लेवल रेगुलरली चेक करते रहें। आजकल मार्केट में कई सारी पोर्टेबल शुगर चेकिंग मशीन अवेलेबल हैं। डॉक्टर के सलाह पर इंसुलिन की दवा भी ले सकते हैं। और अंत में हमेशा की तरह एक बहुत ही प्यारी हेल्थ टिप्स, कंट्रोल डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी कुछ योगासन हैं जो
किए जा सकते हैं। YouTube पे ढेरों वीडियो अवेलेबल हैं उन योगाज के बारे में, उसे देखकर करने की कोशिश करें। खीरा, टमाटर, करेला और आंवला को एक में मिलाकर जूस बनाएं और सुबह सुबह यह जूस पिएं। यह जूस पेनक्रियाज को हेल्दी रखता है और शारीरिक श्रम ज़रूर करें, चाहे वो टहलना ही क्यों ना हो, दौड़ना हो, एक्सरसाइज करना हो, जिससे हमारे सेल्स द्वारा ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो और खून में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा यूटिलाइज हो। तो आप अपना और सबके सेहत का ध्यान रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।